नमस्कार। आज हम दिव्य योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। आप एक सुविधाजनक स्थान पर लेट जाइए। खुला कमरा हो जिसमें हवा का सर्कुलेशन हो रहा हो। लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आपको अपने मन को यह सुझाव देना है कि मैं पूर्णतः रिलैक्स होती जा रही हूँ, होता जा रहा हूँ। जितनी बॉडी को आप रिलैक्स करेंगे उतना आपका मन शांत होगा। जैसे जैसे फिजिकल बॉडी रिलैक्स होती है वैसे वैसे मेंटल बॉडी भी रिलैक्स होती है और थकान तनाव सभी कुछ दूर होता चला जाता है। तो आइए योग निद्रा के अगले चरण की ओर हम बढ़ते हैं। शरीर पूर्णतः शिथिल करते जाएं, सिर से लेकर पैर तक शरीर का निरीक्षण करिए। देखिए शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। योग निद्रा प्रारंभ करने के पहले अपने शरीर में, मन में, विचारों में कहीं कोई तनाव न रहे, इसलिए मन को निरंतर सुझाव दीजिए। मन शिथिल तनाव मुक्त हो रहा है और योग निद्रा का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। जागरूक रहकर अभ्यास करना है, पूर्णतः जागरूक रहकर अभ्यास करना है। शरीर शिथिल हो गया है। अब एक शुभ संकल्प लीजिए। स्वास्थ्य से रिलेटेड हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने अपने मन में स्वास्थ्य का संकल्प लेना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसे विचारों को जब हम मन में दोहराते हैं तो हमारे अवचेतन मन तक वह भाव पहुंचते हैं और हम हमेशा स्वस्थ अनुभव करते हैं। शरीर को पूर्णतः शिथिल होता हुआ देखिए। अब अपना ध्यान दाहिने पैर पर यानी राइट लेग पर लेकर आइए। ध्यान रहे आपको हिलाना डुलाना नहीं है, केवल वहां पर अपने मन को, चेतना को लेकर जाना है। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चारों उंगलियों की बनावट कैसी सुंदर है, साथ ही साथ वे शिथिल हो रही हैं। पूरा पंजा, पैर का तला, एड़ी जो जमीन को स्पर्श कर रही है, एक स्पंदन अनुभव हो रहा है। पंजे का आगे का भाग, पूरा पंजे का जोड़,
एंकल जॉइंट, एड़ी से लेकर घुटने के पीछे पिंडली का भाग, काफ मसल्स, मसल्स में जो स्ट्रेस था वह दूर हो रहा है। आगे पंजे से लेकर घुटने तक का भाग, स्ट्रॉन्ग बोन्स वाला भाग, एक मजबूत हड्डी का भाग। घुटने की गोल कटोरी, घुटने के पीछे का भाग, घुटने से लेकर जंघा तक थाई मसल्स, घुटने के पीछे नीचे की ओर से होते हुए हिप तक का भाग, पूरा राइट पैर का जॉइंट, यहां से लेकर पूरे नीचे तक। ध्यान लगाइए, पैर रिलैक्स हो गया है। अब अपनी चेतना को बाएं पैर पर, लेफ्ट लेग पर लेकर आइए। पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां और अंगूठा, पंजा, पंजे के नीचे का भाग, एड़ी का भाग जो जमीन को स्पर्श कर रहा है, पूरा पंजा, पैर का जोड़, एंकल जॉइंट, एड़ी का निचला भाग से होते हुए पीछे घुटने के नीचे तक का भाग, काफ मसल्स, आगे घुटने से होते हुए पंजे तक का भाग, घुटने की गोल कटोरी, घुटने के पीछे का भाग, घुटने से लेकर पैर के जोड़ तक का ऊपर का भाग, नीचे की ओर घुटने के नीचे से होते हुए हिप तक का भाग, यहाँ की मसल्स रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है। दोनों हिप्स नितंब, कमर का जोड़, कमर का गोल घेरा, कमर, कमर भी शिथिल हो रही है, मसल्स रिलैक्स हो रही है। पीठ, कंधे के पीछे का भाग जो जमीन की ओर स्पर्श हो रहा है, पूरा पीछे का भाग, आगे का भाग, पेट, नाभि, नाभि के नीचे का पेट, पेड़ू, नाभि के ऊपर का पेट, सीना, हृदय, फेफड़े, लंग्स, चेस्ट, शोल्डर्स। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ, राइट हैंड पर लेकर आइए। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां कैसे हथेली से जुड़ी हुई है, अंगूठा, पूरी हथेली, हथेली का नीचे का भाग जो जमीन को स्पर्श कर रहा है, हथेली का मध्य भाग, कलाई, कलाई से लेकर कोहनी तक का हाथ, आगे कलाई से लेकर कोहनी के आगे का भाग,
कोहनी से लेकर कंधे तक का नीचे का भाग, कोहनी के आगे से होते हुए कंधे तक का आगे का भाग, कंधे का जोड़, हमारा हाथ कैसे जुड़ा हुआ है, कंधे से होते हुए फिंगर टिप्स तक पूरा दाहिना हाथ रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब अपना कंसंट्रेशन लेफ्ट हैंड पर ले आइए, बाएं हाथ पर। बाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां कैसे जुड़ी हुई हैं, अंगूठा कैसे जुड़ा हुआ है, हथेली का बीच का भाग, हाथ का पीछे का भाग जो जमीन को स्पर्श कर रहा है, कलाई, कलाई का गोल घेरा, कलाई के नीचे का भाग जो कोहनी तक का हाथ है, कलाई से लेकर कोहनी तक का हाथ, आगे हथेली से होते हुए कोहनी का आगे का भाग, कोहनी के आगे से भाग का कंधे तक का हाथ, कोहनी से लेकर कंधे तक का हाथ, नीचे की ओर वाला और आगे ऊपर की ओर वाला, कंधे का जोड़ जहां से हमारा हाथ जुड़ा हुआ है, जहां से हमारा हाथ जुड़ा हुआ है, पूरा बायां हाथ फिंगर टिप्स तक रिलैक्स हो गया है। अब अपना ध्यान अपने कंठ में लेकर आइए, गले के अंदर। गले का चारों तरफ गोल घेरा, चेहरा, चेहरे की मसल्स को देखें और सजेशन दें, मेरे फेस की मसल्स रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया है। सिर पर ध्यान लगाइए, सिर के अंदर एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी टोटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। सिर से पैर तक एक बार फिर से पूरी बॉडी को देखें, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है, फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो गई है। अब अपना ध्यान, अब आप मेरे साथ शरीर से बाहर की ओर की यात्रा करेंगे, बड़े बड़े पहाड़, हरे भरे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष, हरे भरे, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, और जमीन पर दूर दूर तक हरी घास बिछी हुई है, मानो प्रकृति ने हरी चुनरिया ओढ़ ली है,
चारों ओर हरियाली ही हरियाली। ऊपर नीला साफ आसमान, सुंदर आसमान। आसमान को देखें, विशाल आसमान, खुला आसमान। अब जमीन पर देखें, गायें घूम रही हैं, हरी हरी घास को खा रही हैं, चर रही हैं। सुंदर सुंदर गायें, सफेद रंग की गायें, काले रंग की गायें, लाल रंग की गायें, और उन गायों के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बछड़े। देखिए लाल रंग का बछड़ा कितना सुंदर, कितना मासूम। उसको देखकर हमारे भीतर वात्सल्य का भाव उमड़ रहा है। कैसे दौड़ लगा रहा है हमारा मन, अति प्रसन्न हो रहा है। परम आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं। कितने सारे छोटे छोटे बछड़े दौड़ लगा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। पूरा हृदय वात्सल्य से भर गया है। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हरी भरी पगडंडी, बड़े बड़े वृक्ष उस पगडंडी के दोनों ओर। दूर तक हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही हम उस छोर तक पहुंचे, विशाल तालाब जिसे हम विशाल झील कहते हैं, बड़ी सी झील, सफेद बतख पानी में तैर रहे, अटखेलियां कर रहे। कितना सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं, अद्भुत। शांति का भी अनुभव हो रहा है। कैसे पानी के अंदर जा रहे हैं और ऊपर की ओर आ रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं। हम तट पर बैठ गए हैं, पानी को हम स्पर्श कर रहे हैं। जैसे ही हमने पानी को स्पर्श करा, हमें आनंद ही आनंद का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव। सामने सूर्यास्त हो रहा है, सामने सूर्यास्त हो रहा है। आसमान में कैसी लालिमा छाई हुई है। धीरे धीरे अंधकार होता जा रहा है। सूर्य पूर्णतः से अस्त हो गया है और चारों ओर धीरे धीरे अंधकार होता जा रहा है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, काली अंधियारी रात। आसमान में तारे टिमटिमा रहे। कितना सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। पूर्ण रात्रि, पूर्ण रात्रि। अंधियारा ही अंधियारा।
धीरे धीरे अंधियारा छटता जा रहा है, सूर्योदय हो रहा है, प्रातः बेला सूर्य उदित हो रहा है, सप्त रश्मियां चारों ओर प्रसारित हो रही है और हमें ऊर्जा से भर रही है, हमें ऊर्जा से परिपूर्ण कर रही है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। कितना सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं, मन हमारा आनंदित और गदगद हो गया है, मन को बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है। ये शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी जब हम नियमित योग अभ्यास और योग निद्रा करते हैं। अब अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर लेकर आइए। देखिए सिर से पैर तक सारी मसल्स रिलैक्स हो गई है, सिर से पैर तक सारी मसल्स रिलैक्स हो गई है और मन भी पूर्णतः शांति का अनुभव कर रहा है। अपना ध्यान दोनों आईब्रोस के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पर लेकर आइए और अपने इष्ट परमात्मा सद्गुरु का ध्यान कीजिए। आपका जो भी इष्ट मंत्र है उसका आप 3 बार मन में जाप कीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए, उन्हीं की कृपा से हमें यह अवसर मिला है। अब हाथ पैरों में हलचल कीजिए, हिलाइए डुलाइए हाथ पैरों को, हाथों को अब अच्छे से रगड़ लीजिए और आंखों पर रखिए, हल्के हल्के चेहरे की मालिश करें और एक साइड करवट लेकर बैठ जाइए। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़कर आंखों पर रखिए। योग निद्रा पूर्ण हुई है। अब आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद।